हेलो गाइस, मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट ट्रेडर्स। अगर आज का प्रोमो आपने देखा होगा तो वहां पर एक अनोखा टास्क लिया गया है और इसमें बिग बॉस ने घर वालों को ये कहा है कि आपको ऐसे कंटेस्टेंट को चुनना है जो कैप्टनसी के दावेदारी के लिए, अगली जो कैप्टनसी आने वाली है उसके दावेदारी के लिए वो लायक नहीं है या वो उसके लिए सक्षम नहीं है। ऐसे कंटेस्टेंट का नाम वहां पर चुनना होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि सना वहां पर दो नाम लेती है। शायद इनको ये भी बोला गया होगा कि आपको कोई ऐसे दो नाम लेने होंगे। शायद हो सकता है कि यही दो नाम आ सकते हैं नॉमिनेशन में। अब आगे क्या होगा, बिग बॉस क्या खेलेंगे पता नहीं, लेकिन वहां पर एक छोटा सा टास्क हुआ है और उस टास्क में वहां पर हाथापाई होते हुए दिखाई दे रही है। फिर एक बार असीम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला भिड़ गए हैं। बिग बॉस को यही चाहिए। सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज के झगड़े से इनको बहुत सारा टीआरपी आ रहा है और उसी प्रकार से वो गेम्स सजा रहे हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ भिड़े। क्योंकि अगर टास्क को ध्यान से देखें तो टास्क शुरू होने से पहले ही वहां पर बोल देते हैं इसमें यार चोट लगने वाली है, चोटिल होने वाले हैं, ऐसा ये टास्क है। तो यहाँ पर अगर कोई किसी से भिड़ सकता है तो आसिम रिया सिद्धार्थ शुक्ला से ही भिड़ेगा और ठीक इसी तरीके का प्रोमो हमें दिखाई दिया। आपको क्या लगता है कौन से कंटेस्टेंट होने चाहिए आपके हिसाब से जो अगले बार कैप्टन ना बने, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। देखते हैं किसके कमेंट को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आते हैं। तो इस पर कोई बड़ी खबर आने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जल्द से जल्द एक्ट राइडर्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।